हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 के अंदर। क्या होता है वेव? जब आपकी एनर्जी किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। कोई भी एनर्जी या फिर डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे प्लेस पे जब ट्रांसमिट होता है, कौन से फॉर्म में? ऑसिलेशंस के फॉर्म में। फिर से, जब भी एनर्जी या फिर डिस्टरबेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट होते हैं, ऑसिलेशंस की फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव। अब वेव है इसका मतलब क्या है, ऑसिलेशन हो रहा है। फिर से वेव है इसका मतलब वो क्या रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है, वेव में मतलब ऑसिलेशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मतलब किसी ना किसी चीज का ऑसिलेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसके अंदर ऑसिलेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो वेव जिसके अंदर ऑसिलेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। अभी बहुत सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटीज जो कि दिखती भी नहीं है, वो क्या कर रही है, ऑसिलेट, और वो क्या कह रही है, एनर्जी कह रही है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसको क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस एक्स एक्सिस के अराउंड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट, तो वाई एक्सिस के अराउंड मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ऑसिलेट। मतलब ये जो दोनों फील्ड होते हैं ऑसिलेशन के, एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और जो एनर्जी की मोशन की डायरेक्शन होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की, वो इन दोनों में क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एनर्जी जो कह रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये तो बात भी हमें जनरली थोड़ा सा क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। जब इस वेव की स्पीड वेलोसिटी कैलकुलेट की गई, तब जो वैल्यू आई वो काफी ज्यादा क्या थी, चौंकाने वाली थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई स्पीड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो आपकी वैल्यू है अप्रोक्स इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट की। तो इससे भी क्या पता चला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज पता चली क्या, कि उससे पहले क्या होता था कि अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि संसार की गामा रेज जो कि एक्सपेरिमेंट से निकलती है, एक्सरे जैसे जानते ही हैं, लाइट रेज होती है, माइक्रोवेव होती है, तो इन सब में उसको रेज को क्या करते थे, पहले इंडिविजुअल पढ़ते थे। लेकिन जब हमें इसकी स्पीड की वेलोसिटी पता चली, तो हमें क्या पता चला कि ये जितनी भी वेव्स है ये सब एक फैमिली का पार्ट है। उस पूरी फैमिली का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ये जितनी भी वेव्स है सारी, ये रेडियो वेव्स सब किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि भाई इनका सोर्स क्या है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर मोशन होता है किसका, वेव का। लेकिन जैसे भी अपन ने बोला कि भाई जो यूवी रेज है जिसे कहां से मिलती है, वो सन से मिलती है। अब सन से अर्थ के ऊपर अगर यूवी रेज आ रही है, तो बीच में तो क्या है, वैक्यूम, और वैक्यूम के अंदर भी ट्रांसमिट होकर आपकी वेव सन से अगर अर्थ पर आ रही है, इसका मतलब क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सन से अर्थ के ऊपर अगर मैं बात करूं कि मैं मीडियम है ही नहीं, बीच में अगर इतना सारा वैक्यूम है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने ट्रेवल कैसे करा, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस ऑसिलेशंस इन वैक्यूम। मतलब आपने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो इन ऑसिलेशंस का ओरिजिन क्या है, कहां पे, वैक्यूम के अंदर, क्या सोर्स है इनका, ये अपना सबसे बड़ा यहां पे क्या आ जाता है, क्वेश्चन। अब इसको अगर अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो एक बार हम बात करते हैं इनके इंडिविजुअल सोर्स की, जो हमें पता है, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें सोर्स के बारे में, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमें जनरली क्या पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब स्पेस के अंदर वैक्यूम है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो स्पेस में चार्ज तो आई नहीं, तो चार्ज नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने, जो ऑसिलेट कर रहा है। और ऐसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स अपन को क्या क्या पता है, एक तो करंट के लिए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब वहां पे ना तो करंट के लिए कंडक्टर है स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर, और ना ही आपके कोई मैग्नेट वहां है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रहे और ऑसिलेट कैसे कर रहे। तो फिर अपन ने एक और चीज पढ़ी इसके बाद में, फैराडेज लूप। क्या होता है फैराडेज लूप, जैसे आप क्या एक कॉइल है लूप में, वहां से मैं एक मैग्नेट क्या करता है उसके आसपास रिलेटिव
मोशन करवाता हूँ लूप के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या देखता हूँ कि जब मैग्नेट का लूप के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लूप से पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहा है, चेंज, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंड्यूस करता है, ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या होता था उसका कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइ बाय डी टी, ये मैंने पढ़ा था किससे, फैराडे के लॉ से। इससे अपन को क्या पता चला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और अगर लूप का एरिया कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल के अंदर। इसका मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट, और करंट का मतलब क्या है कि जिस मोशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या इंड्यूस करा, ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उससे क्या इंड्यूस हुआ, करंट, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कर रहा है, करंट, और करंट इंड्यूस इसका मतलब मोशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पहले लूप के अंदर, इलेक्ट्रॉन पहले जनरली किसमें थे, रेस्ट में, और वो क्या करने लगे, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लगे, पहले मोशन कर रहे थे रेस्ट में, मतलब पहले रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ अप्लाई होता है तो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लग जाते हैं। तो पहले जो रैंडम मोशन था उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट से यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर क्या करने लग जाते हैं, मोशन। अब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट से रेस्ट पे है और उसको अगर मोशन पे ला रहा है तो वो लेके को रहा है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आपको जानने की इंपॉर्टेंट है। फिर से थोड़ा सा बैक चलो, मैंने क्या पढ़ा अभी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने ईएमएफ इंड्यूस करा, ईएमएफ इंड्यूस करा मतलब करंट इंड्यूस करा, और करंट इंड्यूस करा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, फ्लो। इलेक्ट्रॉन पहले किस पे थे, रेस्ट पे, अब किस में आ गए, मोशन पे, किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है क्या, अब ये सोचने वाली बात है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है उस पर फोर्स नहीं लगाता है, वो किसके ऊपर फोर्स लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। कैसे पता चला अपना, बिल्कुल सिंपल, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्यू वी बी साइन थीटा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जब आपका चार्ज के पास क्या होगी, वी, वेलोसिटी, तभी उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स। फिर से जब आपके चार्ज के पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, तभी उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि इस लूप के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ क्यों, तो अपन को पता है कि बस एक ही चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा सकती है रेस्ट के ऊपर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होता है, तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, वो सब इसलिए होता है क्योंकि उस कॉइल के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कर रहा है किसने। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, और वो ही क्या है, फैराडे का एक्चुअल लॉ, कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या इंड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है कि एक बार फिर से देखो, हुआ क्या, जैसे आपने क्या करा, किसी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, क्या मोशन। इलेक्ट्रॉन जनरली पहले किस पे थे, रेस्ट पे, अब किस में आ गए, मोशन पे। अब इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से मोशन पे लाने का काम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके ऊपर फोर्स लगाता है, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन पहले किस पे थे, रेस्ट पे, उनके ऊपर क्या लगने लग गया, फोर्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ओनली कौन लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जब आपने कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा तो कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, फोर्स लगाया किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग गया, मोशन, कौन सी डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी का ये क्या कंक्लूजन निकला कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये क्या हो गया अपने सेकंड फ्लोर। फर्स्ट अपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो किससे बनता है, चार्ज से, और सेकंड की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो अपन ने भी चीज पढ़ी है नहीं की है, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो था भाई अपन ने क्या पढ़ा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, क्योंकि वो अपने को समझना था। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मोशन ओनली कौन बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडे का होता है एक्चुअल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट जिसे आपको समझनी है, जैसे ये आपकी जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मोशन कौन सा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, मतलब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मोशन आप कैसे करा रहे हो, तो पास करा रहे हो या विकल जा रहे हो, दूर जा रहे हो कॉइल से, तो इसका मोशन कौन से प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर वो कौन से प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में। और वर्टिकल प्लेन में करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन भी वर्टिकल प्लेन में, और इलेक्ट्रॉन का मोशन भी वर्टिकल प्लेन में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो भी कौन से प्लेन में हुआ, वर्टिकल प्लेन में। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें क्या हो रही है, लिंक हो रही है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कौन से प्लेन में करा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ कॉइल के अंदर वो कौन से प्लेन में हुआ, वर्टिकल प्लेन में, मतलब दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या आपने ऐसा कुछ वर्ड सुना अभी कि यहाँ पे जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। तो मतलब अपन को एक चीज तो थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हुई की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये चीज आई तो फिर एक चीज होती है फिजिक्स के अंदर की सिमेट्री, कि अगर एक चीज फिजिक्स में हो रही है तो उसके अपोजिट दूसरी चीज भी होनी चाहिए। अब तो ये चीज समझ में आती है, लेकिन उस टाइम में ये बात कब की, 18th century की, और 18th century के अंदर ये बिलीव करना कि भाई अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा तो क्या उसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो ये जो था इसका अपोजिट सोचना कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है, ये सोचना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता था उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट जनरली उस टाइम तक इन चीजों को ही डिफरेंट मानते थे, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, तब तक जनरली बस क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, मैग्नेटिज्म पढ़ा था। और कोई अगर बीच में आके ये बोले कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कोई मानता नहीं। पर एक साइंटिस्ट है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। उनकी बात में किसी ने बिलीव करा नहीं, क्यों, क्योंकि तब तक क्या जानते थे लोग कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ओनली क्या होता है, करंट। तो फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट से करके बताया कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक कैपेलन पे कैपेसिटी लिया जो कि इनिशियली क्या था, डिस्चार्ज। और जैसे ही उन्होंने क्या करा, एक सोर्स लेके उसको जैसे ही सोर्स का स्विच ऑन करा, सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लग गया, करंट, और जो कैपेसिटर डिस्चार्ज था क्या होने लग गया, चार्ज। अब जैसे ही स्विच ऑन करा तो ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये राइट प्लेट के ऊपर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंटिन्यू वो चार्ज हो ही रहा है तो कंटिन्यू धीरे धीरे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब कंटिन्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, जब तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज। तो उन्होंने क्या करा, एम्पीयर सर्किट के लोगों को अप्लाई करा दो पॉइंट पे। उन्होंने बोला कि एक पॉइंट तो अपन कैपेसिटी बाहर ले रहे लेट से पॉइंट ए, और दूसरा उन्होंने पॉइंट लिया पॉइंट बी, जो कि कहा था कैपेसिटी की प्लेट्स के बीच में। दोनों को उन्होंने क्या करा, एम्पीयर सर्किट के लोग अप्लाई करा। क्या होता है एम्पीयर सर्किट के लोग, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको उन्होंने अप्लाई करा ए पॉइंट के ऊपर भी और बी पॉइंट के ऊपर भी। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन किसका है, लूप का, उन्होंने दो लूप में लिए, एक ए पॉइंट का और एक बी पॉइंट का। अब इसको अप्लाई करना है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल फॉलो हो गया कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब सर्किट के अंदर अगर आई करंट है तो इस
पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना है, बी। लेकिन अगर इसी को मैं बी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करूं जो कि क्या है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो वहां कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट है क्या इलेक्ट्रोड वाला, और प्लेट्स के बीच में तो कोई चार्ज नहीं है, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो वहां पर करंट कितना हो गया, जीरो। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, जीरो। यहां से बी कितना आ गया, जीरो। कहां पे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और ये किससे निकाला हूं मैं, एम्पीयर सर्किट के लॉ की हेल्प से, कि प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, कि प्लेट्स के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं है, तो उन्होंने करा, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक कपास नीडल ली और उसको पहले ए के पास में रखा, तो देखा कि कपास नीडल में कुछ ना कुछ क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। और कपास नीडल में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है, ए पॉइंट के वहां रखा, तो इसका मतलब ए पॉइंट से क्या पास हो रहा है, करंट, और उसका क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कपास नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। उन्होंने उसी कपास नीडल को क्या करा, बी पॉइंट के पास में रख दिया, और क्या देखा कि बी पॉइंट के ऊपर जब कपास नीडल आई, तो वहां भी उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, और उतना ही डिफ्लेक्शन आया जितना ए पॉइंट पे था। और ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्यों, क्योंकि बी पॉइंट कहां था, प्लेट्स के बीच में, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं थी, करंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, तो उन्होंने कहा कि यही जो मैं कह रहा था, कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो कौन बना रहा है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उसकी प्लेट्स के बीच में क्या बना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और वही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने यहां पे इसको दिखा दिया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट नहीं माने, क्यों नहीं माने, क्योंकि उनके माइंड में क्या चीज सेट थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को ओनली कौन बनाता है, करंट। और वो यहां पे क्या बोल रहे थे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और कौन बना रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो चीज दिख भी रही है कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा यहां पे कुछ है नहीं, करंट तो है नहीं, क्योंकि चार्ज नहीं है प्लेट्स के बीच में, तो बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहा है, कौन सा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड का एक और क्या सोर्स होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस चीज को कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था, क्यों, क्योंकि सबके माइंड सेट क्या था उस टाइम में साइंटिस्ट की, भाई नहीं करंट ही बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को, उन्होंने कहा ठीक है करंट ही बनाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। पर अब ये जो करंट था, ये कंडक्शन करंट तो होने से था, क्यों, क्योंकि यहां पर कंडक्शन करंट किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, लेकिन यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं थी, क्योंकि ये किसकी वजह से था, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। कि ये क्या, कंडक्शन करंट का डिस्प्लेसमेंट है, कहां पे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो अभी तक जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बोल रहे थे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तब तो कोई मान ही नहीं रहा, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया उसी चीज को कि यहां पे जो करंट है वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तब सबने मान लिया, क्योंकि तो उन्होंने एक नाम लेकर रखा ना वो बीच में क्या, करंट। और जैसे उन्होंने करंट बोल दिया, तो साइंटिस्ट को स्ट्राइक मार दिया, करंट से तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उनकी चीज को थोड़ा सा समझने लगे कि ऐसा भी हो सकता है। और ये बात साइंटिस्ट को माननी पड़ी, क्यों, क्योंकि इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन सॉल्व हो रही थी, कौन सी, कि पहले ये तो पता था कि यहाँ पे करंट है, पूरे सर्किट के अंदर करंट है, लेकिन एक चीज जो जिससे कंफ्यूज हो रहे थे साइंटिस्ट की, भाई कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट तो आई नहीं, तो जो कंटिन्यूटी होती है करंट की वो कैसे मेंटेन हो रही है, क्यों, क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होता है जब क्लोज सर्किट होता है। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट के बीच में क्या है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टर आई नहीं, और कंडक्टर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा, तो जो कंटिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन हो रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा था मैक्सवेल के इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से पहले। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि इस प्लेट्स के बीच में जो करंट है उसका उन्होंने नाम दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इस जैसे उन्होंने बोला, ये जो कंफ्यूजन है कंटिन्यूटी का, कि पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट तक और नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट तक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो बीच में नहीं हो रहा, और ये बीच को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला, तो ये कंफ्यूजन क्या हो गया, क्लियर। उन्होंने क्या बोला कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको उन्होंने क्या बोला, कंडक्शन करंट आईसी, और प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको उन्होंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। जिससे जो सबसे बड़ी बात थी क्या, कंटिन्यूटी करंट भी सो रहा होगा, कि
वायर के अंदर कौन सा फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट, और प्लेट्स के बीच में कौन सा फ्लो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात यह है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उन्होंने जब इसका फॉर्मूला निकाला डायमेंशनल कंसिस्टेंसी रखते हुए, तो इसका जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। और कंडक्शन करंट का अपन को पता है आईसी कितना होता है, डी क्यू बाय डी टी चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि क्या इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। तो अब ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि ए पॉइंट में जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड रखी थी तो उसका जो डिफ्लेक्शन हुआ था सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्शन काम हुआ था जब उसको बी पॉइंट पर रखा था। इसका मतलब दोनों जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं वो क्या है, सेम। इसका मतलब जो कंडक्शन करंट की वैल्यू है वो की वैल्यू किसकी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट की। लेकिन इसको प्रूव तो करो, ओनली बोलने से थोड़ी चलेगा। तो मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए, सेम। और मैग्नीट्यूड सेम ही है, कैसे अपन एक बार इसको निकालते हैं, आईडी, आईडी को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ऑफ फाई, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई टू ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ई। ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्लेट्स के बीच में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स की वजह से। तो ए की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, क्या फॉर्मूला होता है, डी बाय डी टी। और सिग्मा की जगह पर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्यू अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो ऑलरेडी है उसको रख दिया, मल्टीप्लाई बाय ए। यहां पर अपन क्या देखा कि एरिया से एरिया क्या हो गया, कट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। उसको अगर बाहर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कट। और फाइनली आप इसके राय सर आईडी के इक्वल हो, आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आ गया, फाइनल डी क्यू बाय डी टी। और जो है अपना क्या होता है, कंडक्शन करंट। इसका मतलब अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में कंडक्शन करंट के। फिर से देखो क्या वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स की वजह से। इस प्लेट की वजह से कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका आईसी तो है लेकिन आईडी कितना है,
जीरो। और अगर ऐसे मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे क्या होगा कि आईसी कितना हो जाएगा, जीरो, जबकि आईडी की वैल्यू कुछ होगी। तो इसका मतलब किसी भी इंसिडेंट के ऊपर इन दोनों में से ओनली क्या होगा, एक करंट, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल। इसका मतलब ये जो एम्पीयर सर्किट है वो भी बिल्कुल सही है, बस उसमें जो करंट है उसकी जगह पे क्या आएगा, आईसी प्लस आईडी, क्योंकि प्लेट्स के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जो करंट होता है उसको मैक्सिमम क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मैं इसी को फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट, आईसी की जगह पे आईसी प्लस आईडी, आईडी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डीटी। तो ये इक्वेशन हो जाती है किसकी, मॉडिफाई एम्पीयर सर्किट लॉ की। तो एम्पीयर सर्किट लॉ तो अपने पढ़ा, लेकिन उसमें क्या हो गया मॉडिफिकेशन, तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, मॉडिफाई एम्पीयर सर्किट लॉ। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले अपन को क्या पता था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या बनता है ईएमएफ, वहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो ईएमएफ होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसका मेन सोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन किससे रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो अपन को क्या कंक्लूजन निकला कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था, फैराडेज लॉ, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 तक। इसके बाद किसका प्रपोजल आया, मैक्सवेल ने किसका दिया कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बना था, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको माना नहीं तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, उसको प्रूव करा इस एक्सपेरिमेंट में और बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना था, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ओनली क्यों बना था, करंट। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे जो करंट है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से जो आईडिया आया वो किसका आया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। उसमें जब डायरेक्शन कंसिस्टेंसी रख के जो फॉर्मूला बनाया वो कितना था, इतना। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूटी रखे तो यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, डी क्यू बाई डी टी, चार्ज की क्या रखने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए। तो अपन इसे प्रूव करा तो वैल्यू किसके इक्वल है, डी क्यू बाई डी टी की, किसकी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वहां से जो एम्पीयर्स का लॉ था उसको क्या करा, मॉडिफाई, और फाइनल ये निकला मॉडिफाई एम्पीयर सर्किट लॉ, जिसको एम्पीयर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ के अपन दो चीजें प्रूव हो गई जो अभी तक नहीं पता थी। नंबर वन कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली बात है कि ये चेंजिंग है तो ये दोनों भी क्या होंगे, चेंजिंग, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर चेंज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा बनेगा और चेंज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। और सेम है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था इनिशियली स्टार्ट हुआ था, थोड़े से इलेक्ट्रॉन से आए, थोड़े से इलेक्ट्रॉन आए, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना कम इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा कम। और जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, ज्यादा। मतलब जो अपना सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका जो बेसिक था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, किस कॉन्सेप्ट से, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन ने क्या पढ़ा उसकी डेफिनेशन, कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनते कैसे, तो हमें पता चला कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल ने बताया, उन्होंने जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी तक अपने जितना भी पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी अपने 7 चैप्टर पढ़े उन सब 7 चैप्टर के जो बेसिक लॉज थे उन्होंने उनसे क्या निकाली, 4 इक्वेशन निकाली, जिसको उन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि क्या कर रही है, बेसिकली गवर्न कर रही है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना। तो कौन कौन सी इक्वेशंस उन्होंने दी थी अपन देखते हैं, सबसे पहले कौन सी इक्वेशंस है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इन इक्वेशन में से इन्होंने मैक्सवेल ने कौन सी भी नहीं दी थी, उन्होंने बस क्या करा था कि जो फोर्थ इक्वेशन है एम्पीयर सर्किट लॉ उसको क्या करा था, मॉडिफाई। तो ये सब जो दी थी डिफरेंट साइंटिस्ट की थी, पर उन्होंने ये बोला कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन चार इक्वेशंस से क्या किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जिनको उन्होंने फॉर्मुलेट करके क्या नाम दे दिया, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सबसे फर्स्ट कौन सी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या पता चलता है इससे कि आपका जो चार्ज है वो क्या बनाता है, ई, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स अपन यहां पे सबसे पहले क्या देखा, चार्ज। और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या है, ये चार्ज जनरली कहां रेजिडेंट करता है, कंडक्टर की सरफेस पे।
ये बात थी फर्स्ट की। सेकंड बात करें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है भाई? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस इक्वल टू जीरो। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सरफेस क्लोज कर लिया जाए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो क्यों आता है? क्योंकि इसी का कंक्लूजन अपन ने क्या देखा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैग्नेटिक पोल हमेशा किसमें होते हैं? अगर मेरा नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। अगर मैं मैग्नेट है उसको बीच में से क्या कर देता हूँ? कट। तो इंडिविजुअल दोनों बीच में क्या बन जाते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल आप इंडिविजुअल पोल नहीं क्रिएट कर सकते। ये किससे पता चला था हमें? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। थर्ड इक्वेशन क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताती है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम की और इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसी को अपन क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डीएल। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डीटी। अब यहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि डी फाई, फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? बी इंटू ए। तो डीबी, डीबी का मतलब क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन को अभी तक पहले का सोर्स पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ओनली क्या है? चार्ज। और यहाँ पर क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक और क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जो किससे पता चला हमें? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। लास्ट क्या है? वही जो उन्होंने खुद करा हुआ है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये इक्वेशन जो अभी अपन ने पढ़ी, यहाँ पे मेनली अपन को क्या पता चलता है कि चेंज इन फाई, डी फाई का मतलब क्या है? चेंज इन फाई ई। फाई ई क्या होता है? ई इंटू ए। इसका मतलब डी, डी क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। और यही तो क्या है कंक्लूजन है फोर्थ लॉ का कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड से क्या पता चला कि चेंजिंग बहुत अच्छे से होता। फाइनल कंक्लूजन यही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे कंक्लूड हो जाते हैं आपके अभी तक के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिक प्रिंसिपल्स। और वही क्या है? मैक्सवेल की इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।